बाहर निकालो तो अब भी जला दूंगा तेरा। पूरी दवा बाहर किस चीज में खिलाए थे उसको भी किस चीज में खिलाए थे उस छोकरे को चीज थी वो कौन सी चीज थी वो पानी पकड़ के रख रही मार दे रो उसके अंदर से आंख लगाओ महिले कुछ ले गिलासा दिखते जाना जरा हाँ जकड़ो उसको और तेजी से छोड़ देने तुझे पूरा जला देंगे तुझे मार मार के खत्म कर आपका राज चल बाहर निकाल पूरी दवा बाहर निकालो मार दो बोले थे छोकरे को मार दो बोले थे कैसा मारो बोले थे कैसा मारो बोले कैसा उसको कैसा मास में पुण्यम में कब मारो बोले बता रहा सब सही सही हाँ ये छोकरे का क्या नाम है मोहम्मद शोएब शोएब को कब मारने का बोले थे अम्मा से पुण्यम में कब मारो बोले थे अम्मा से क्या पुण्यम जैसे कुछ ना देखो पूरा जला दूँ जला बाहर काट
काट के टांग तेरी मुंडी। नहीं 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 मुंडी काटता हूँ। नहीं कितने साल से? नहीं जवाब दे जल्दी। गुलाब के डाले छोड़ूंगा ना मैं, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का छोड़ू के नक्को छोड़ू। कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान से, कब्रस्तान से, कहाँ से? टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी से टाइम बोलना, पूरा दो टुकड़े कर दूंगा। मरियाला है तू, मरियाला है, मरियाला है। छोकरे को तू कोई बचाने नहीं आता, अम्मी काट देता हूँ से आग भड़का। नहीं सही से मेरे सवाल के नहीं। सवाल के जवाब दे। नहीं तुझे शमशान से पकड़े, कब्रस्तान से पकड़े? नहीं मालूम। क्या बोले फिर तुझे? बोले क्या? नहीं मालूम। ये छोकरे को मार दे बोले? मालूम ऐसा नहीं मालूम तुझे? का ऐसा नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम तुझे? और तेजी से आग लगेंगे तेरे अंदर। मेरे को नहीं मालूम। शमशान से आया, कब्रस्तान से आया, मेरे को नहीं मालूम। पूरे घर को परेशान कर रहा है इसके। कमाई की बरकत उड़ा दी, किरकिरा लगा दिया, कर्ज में डुबा रहा। अच्छा जाना भी लेने आला है सबके? अच्छा कैसा मार के लेने आला है? सुसाइड करा के बीमार उगदाल के कैसा? जलो और तुझसे नहीं सुने आया को सब नाम याद कर कहेंगे कौन डाले थे उसके अंदर? कहीं से काट दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा। निकाल पूरी दवा बाहर, निकाल पूरी निकाल बाहर। वो कैमरे पुतले के हाँ निकाल पूरी पूरी दवा बाहर। पूरी बाहर, पूरी बाहर, पूरी बाहर। जला उसके पेट में से आग लगा साथ में, पन्नी पकड़ रहे बरोबर। चल बाहर, चल बाहर, सब याद करके आएगा दूसरी चक्कर तक। कौन डाले, कहाँ से आया था, कितने लोग मिले आले है, किसने जादू करा था, क्यों करा था, इसको किस चीज में मिला के, ये सब याद करके आके मुझे बयान करेगा तू सारे बात दूसरी चक्कर तक। समझ गया ना? हाँ चल तबा कर जोर से, तबा तबा कर, तबा कर जल्दी मुंह पे हाथ मार के। अल्लाह हाँ चल तबा तबा कर जल्दी जोर से बोल, तबा तबा चीख मार के जल्दी अंडा के बोल तबा जोर से। देखा ना यहाँ कितनी ताकत है, यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है, यहाँ कलाम इलाही की। निकालते रहो उसकी सारी दवा, निकालते रहो बाहर, मार मार के तेजी के साथ में। चल दूसरी चक्कर तक में सब आके बयान करना कम वक्त है, जब तक दवा बाहर खींच के निकालते रहो। वाटर लेदर, ए बच्चे वाटर लेदर।
ये दुआ का पानी है, बड़ा धरना पिला धरना, बड़ा धरना पिला धरना, हर नमाज के बाद में इस पे 7 बार अतल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम करना और ज्यादा से ज्यादा पानी पिला धरना, बड़ा धरना, समझ गए। और ये पानी जो है तो स्प्रे करने का मुंह पे, चेहरे पे, आंग पे, घर में, सब तरफ, और इस पे भी सेम पढ़ के दम करते रहने का नमाज के बाद में दोनों के बीच। चलो अगले कोने आ गया, जाओ क्या है, इससे पहले हाजिर हुआ क्या आंग पे कभी? बुधवार को रात में आता काली में बोलता तेरा दिल निकाल लेता तू मार डालता मैं, पकड़ा था ना मैंने अभी उसको, यहाँ था ना अभी सवाल जवाब हो रहे थे, मेरे को याद नहीं कौन डाले, तो अब उन्हें याद करके आके बयान करेंगे कौन डाले, कहाँ से आया, क्या है, क्यों डाले, और ऐसा खुद ब खुद वाला नहीं, खिला के छोड़ा वाला, जैसा दुआ का पानी पड़ के पिला रहे थे वैसा वैसा उसको उमेटिंग होने की तैयारी हो रही थी, उल्टियां हो रही थी उसको, उल्टियों का मतलब बिस्लेरी फिल्टर का पानी पिलाकर उमेटिंग बंद कर दी जाती, जिसको उमेटिंग होती उसको फिल्टर का पानी पिलाते तो बंद हो जाती, खुदा की खुदरत, जिसको अगर खिला वाला रहा उसको दुआ के पानी पड़ के बिस्लेरी भी दम करके पिलाए तो उमेटिंग होती, खुदा की खुदरत, यानी अंदर बैठे वाली दवा मार के जकड़ के बाहर निकाल के फेंकता हूँ पानी, खुदा की खुदरत का मुअज्जज़ा अपने आंखों से सामने देखो। मैं तुम्हारे क्या कहानियां और किस्से से बयान नहीं कर रहा, तुम प्रैक्टिकल में देखो अपने आंखों से। उन्होंने दुकान से बाटल खरीद के लाए, दुकान से बाटल सील पैक लाए, फोड़े दम करे, खुद पिए, पीते उल्टे होना चालू हो जा रहे थे, अंदर आ गया और आके अड्डा रहा था और सब बातें बयान कर रहा था कि अभी मुझे याद नहीं, याद नहीं उसके आंग में आया, हाँ उन्होंने एक्सेप्ट करा, मारने आया, बर्बाद करने आया, तबाही लगाने आया, हाँ एक्सेप्ट है बोला, मगर कौन डाले वो अभी नहीं, उन्हें आगे बयान करूंगा, उसको सब मालूम रहता, मगर कैसा है लातों के भूता हाथों से नहीं मानते, अच्छे से जकड़ के मार के कमजोर करेंगे उस दौरान में, फिर वो सब बयान करेंगे आगे, कौन डाले थे, कहाँ से आया था, क्यों आया था, ये जादू टोना, ये करनी कौटाल, इससे ये बहुत बुरे चीजा है, इससे कोई जिसके पीछे लग जाते ही तो उसकी तोबा कबूल नहीं करते, उसकी तोबा होती चाहिए तोबा कबूल, मैं तुमको गारंटी देता ना, क्योंकि तुम तोबा करने जाएंगे तो करने का मौका नहीं देते तुम्हारे, तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खड़े नहीं रहने देते, तुम्हारे अल्लाह पाक परवरदिगार के सामने, तुमको इबादत की राह पे नहीं जान देते, तुम्हारे इबादत की राह से जकड़ के खींच के ले लेते, तुम उधर जाते तुम्हारा घबराहट बेचैनी कराते हो, और ये सब जो हरकतें होती है एक बार लग गई तो इंसान को बहुत बुरा हाल कर देते, बहुत इकोनॉमिक कंडीशन से कमजोर कर देते, माशी हालात, माली हालात तुम्हारे सब खराब कर देते, तुम्हारे जिस्म को सड़ा देते। ये मैं कोई कहानी और कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, कहानी और किस्सा कोई अनगढ़त बातें नहीं बता रहा हूँ, तुमको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। अगर मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में नहीं बताऊंगा तो फिर तुमको कौन बताएगा, और अगर मेरे पे तो वाजिब है तुमको बताना, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर तुम तो घर खो देंगे ना, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भीख, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे आके फैज नहीं देता, अल्लाह खुद जमीन पे नहीं आता, उन्हें अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता, रूए जमीन और ये गैलेक्सियों की औकात नहीं अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सके, उसका नूर की तजल्ली देखने से पहले सब जल के राख हो जाएंगे, फिर उन्हें कैसा जमीन पे आके तुमको फैज दे सकता, जमीन पे आना उसकी शान के खिलाफ है, तो इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से तुम्हारे फैज पहुंचाता, उनके चुनता उनको, उनके जैसा शैतान के साथियां शैतान चुनता, शैतान चुन के पूरे माशरे में पूरे इसमें दुनिया में फैला देता और वो लोगों को जहमत देते रहते, तो वैसे ही फिर अल्लाह भी चुनता अल्लाह वालों को और फिर उनके जरिए से तुम्हारे को फैज पहुंचाता, जैसा शैतान के चेले चपाटे और शैतान को मानने वाले तुम्हारे को जहमत देते, जादूगर शैतान के बिल्ले जो भी XYZ, तो वो तुम्हारे को तकलीफा देते, तुम्हारे को वबाओं में घेरने लगा, तुम्हारे को उसमें डाल देते, वो परेशानियों में मुब्तला कर देते, बीमारियों में घेर लेते, तुम्हारे काम बनने नहीं देते, तुम्हारी दौलत हाथों से खिसका देते, तुम बनने का काम तुम्हारा बिगाड़ देते, तुम्हारे को इतना बुरा आलम कर देते कि जिसकी हद नहीं, तुम्हारा बाहर से सा मुहम रह जाता और अंदर से तुम्हारे पूरा खोखला करके खत्म कर देते, तो बोलते ना कि तुम खा के आए बाहर से अंदर से कनकी और मूंछ पे तुम रख के आएंगे फिर बासमती का दाना, और ये बताएंगे लोगों को कि देखो हम तो बासमती खा के आए, मगर अंदर तक का आलम तुम्हारा हो जाता कि रुपए रुपए को तुम्हारे मोहताज कर देते, वो है जादू टोना, तुम्हारे गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर देते, वो है जादू टोना, और बहुत खतरनाक चीज है, उससे बचने के लिए अल्लाह का कलाम है। तुम अगर बोलेंगे कि हम मानते नहीं, ऐसा रहता नहीं, जिन्नात है क्या, शैतान है क्या, फिर तुम क्या बोलते, तो ये बातों को ऐसा बोलेंगे तो तुम ईमान से भी खारिज हो जाएंगे। ईमान में क्या बोलते, तो हमने ईमान लाए अल्लाह पर, हमने ईमान लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खातिमुज़्ज़मा पैगंबर होने पर, हमने ईमान लाए शैतान है बोलकर, हमने ईमान लाए आखिरी और यौमुल खियामत का दिन आएगा, खियामत का दिन, उस पर भी ईमान लाए, खबर के आजाब पर भी ईमान लाए, चारों बड़े फरिश्तों पर भी ईमान लाए है बोलकर, अल्लाह ने पूरे 11 एग्जाम की रचना रचा, फरिश्तों की रचना रचा, इस पर भी ईमान लाए, जिन्नात है बोलकर भी ईमान लाए, शैतान है बोलकर भी ईमान लाए, जादू है बोलकर भी ईमान लाए, फिर इसमें से कोई भी बातें तुम अगर नहीं मानोगे अखल के पैदल हो तो फिर तुम ईमान से खारिज हो जाएंगे, तुम बाहर निकल जाएंगे तुमने, और फिर क्या बोलते, तो काफिर में कुछ फर्क नहीं रहेगा।
इसलिए बार बार मैं यही कहता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इबादत की राह को, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो। अल्लाह वाले और बुजुर्गाने दीन तुम्हारा जहां मिल गए उनके दामनों को थाम लो, उनके दामनों को थाम लो मजबूती के साथ में। उनके दामनों की वो बात रहती कि उनके दामन को पकड़ के अगर तुम वसीला दे दिया अल्लाह को कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है कई महीनों से कई सालों से, तू बारिश कर दे तो बारिश करा देता अल्लाह। उनके वसीलों में उनके वसी ऐसी ताकत रखा अल्लाह ने, उनके दामना उतने पाक रहते, उनके दामन को पकड़ो तुम, बोलो कि अल्लाह ये बंजर जमीन है इस पर अनाज नहीं होगा, उगा दे तो अल्लाह उगा देता। अल्लाह वो फला फला मरने वाला है, उसकी मौत करीब आ गई, उसका बहुत अनकरीब टाइम है, उसको शिफाए कामिल आता कर देता अल्लाह, उसको शिफाए कामिल आता कर देता। दामन पकड़ के अगर तुम दुआएं करेंगे, वो दामनों के वास्ते देंगे, तो फिर तुम्हारे को क्या बयान करूं मैं, क्या वाकयात बयान करूं। मूसा अलैहि सलाम के दौर में, मूसा अलैहि सलाम के दौर के देखो नाराज थे, जाके याद करके आ बोला मैं ना तो ऐसा मारूंगा अभी दोनों हाथ काट के ले लूंगा तेरे कम बखत। सब याद कर क्या बोला तेको, मैं कौन डाले थे कहां से आया था। तो मूसा अलैहि सलाम के दौर का वाकया है, मूसा अलैहि सलाम के दौर में बारिश ही नहीं हो रही, बारिश ही नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। तो उसको थोड़ा आगे लाओ बोला इधर, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो मूसा अलैह सलाम और वो सब लोग अल्लाह मेरे मालिक बारिश क्यों नहीं हो रही, एक मिनट जरा इसको अच्छे से नहीं, बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश क्यों नहीं हो रही। वो सब दुआ करे मूसा कलीमतुल्लाह अल्लाह के पैर कलाम करने वाले लोगों ने कहे कि मूसा अलैह सलाम जाओ अल्लाह से पूछो कि बारिश क्यों नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं वो कह दो तुम्हारे कौम से, मैं सब लोगों से नाराज हूँ इसलिए बारिश नहीं होगी। तो अब मुझे राजी, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह फरमा रहा हूँ जब राजी होंगे अल्लाह तो बारिश होगी। अब सब दुआएं कर रहे अल्लाह राजी नहीं हो रहा। मूसा अलैहि सलाम ने बोले कि मालिक फिर मेरे भी तो दुआ से तू राजी हो जा, तो नहीं होगा अल्लाह ने फरमाया नहीं तो मैं राजी किसी से नहीं होगा। हजारों लोग बच्चे बूढ़े हर कोई तेरी राह में गिड़गिड़ा रहे दुआ कर रहे, तो तू अब तो मान जा बारिश कर दे, जानवर पेड़ पौधे हर कोई परेशान है बारिश नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है जाओ जंगल में जाओ, जंगल के अंदर तुमको एक शख्स मिलेगा बैठे अल्लाह, जाकर उसको राजी करो, अगर उन्हें दुआ करा मुझसे तो बारिश हो जाएगी। और उससे ज्यादा बात नहीं करना मूसा, काम से काम रखना, अगर बारिश होगी तो रिटर्न आ जाना, ज्यादा सवाल नहीं करना क्योंकि हमारे उसके ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद जंगल में ढूंढे उस शख्स को, शख्स मिला उनको, तो बोले मैं मूसा कलीमुल्लाह, तो उन्होंने अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आप यहाँ तक क्यों आए, मुझे बोल देना था मैं जंगल के बाहर आ जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि नहीं अल्लाह ने खुद भेजा और बोला कि दुआ करो तुम अगर दुआ करेंगे तो बारिश होगी। कौन था वो शख्स, अल्लाह वाला था, वो अल्लाह के वली ऐसे रहते खुद। तो वो शख्स तो शख्स ने आसमान की तरफ देखा और दुआ करा कि वो दुआ करके उसके हाथ नीचे उतरने से पहले टप 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 बारिश होना चालू हुई। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखे वो आलम और बोले कि या अल्लाह मेरे मालिक ये क्या माजरा है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर कलीमतुल्लाह से अल्लाह राजी नहीं हुआ, पूरे लोगों से अल्लाह राजी नहीं हुआ, लोगों से अब्दालों से उनसे भी राजी नहीं हुआ, जानवरों से पेड़ पौधों से भी राजी नहीं हुआ, तो फिर किससे राजी होगा अल्लाह, तू है कौन। बोलकर उनसे सवाल करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा और रब के बीच का क्या मामला है, जो तुमने दुआ करके चला तो अल्लाह ने फौरी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा निकल जाओ वहां से, उसको ज्यादा मत छेड़ो, उसका और हमारे बीच का मामला है, उसको ज्यादा मत छेड़ो, निकल जाओ वहां से, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारे को बारिश होना था बारिश मिल गई चलते बनो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। तो ये ऐसे मामला रहते अल्लाह वालों के लोगों दी दामनों से उनके वसीलों से दुआ मांगा करो, वो तुम्हारे यहूदी ने तुम्हारे उल्लू बनाया और तुम्हारे बेवकूफ बनाया, ये कहता शैताना लोगों को परेशान करते, वैसा वो शैताना इंसानियत के अंदर यहूद और नसारा तुम्हारे तुम्हारे राह से भटका दिए, तुम्हारे बुजुर्गों ने दीन की राह से भटका दिए, ताकि तुम्हारे पास अगर बुजुर्गों ने दीन नहीं रहेंगे और तुम उनसे दुआएं नहीं करेंगे तो तुम्हारे फतह कहां से मिलेगी, कोई भी मामले में कामयाबी कहां से मिलेगी तुमको, तुम गर्क हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे,
चाहिए और वो लोग उन पे हुकूमत करते रहेंगे। और यकीनन वो लोग क्या बोलते थे दुनिया में, सबसे ज्यादा वही लोग जादू टोना करते और तुमको गुमराह करते, तुम्हारे अंदर डुप्लीकेट उनके दलाल आमिल उनके दलाल आलिम तुम्हारे अंदर छोड़ देते सिखा के, और वो दलाल आलिम तुम्हारे उल्लू बनाते, उल्लू ऐसा बनाते कि वो शिर्क है, ये बिद्दत है। वो शिर्क के मायने पता है क्या रहते, शिर्क किसको बोलते, बिद्दत किसको बोलते मालूम नहीं, मगर फतवे दे देते ये बिद्दत है वो शिर्क है, इधर मत जाओ, बुजुर्गान दीन की राह पे मत जाओ। अबे खैरू बना नालायक यहूद नसारा के दलाल, अगर क्या बोलते तो बुजुर्गान दीन की राह पर अगर जाना शिर्क रहता था, बुजुर्गान दीन से दुआ कराना उनके दामन पकड़ना अगर जायज नहीं रहता था, तो तेरा मूसा कलीमतुल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा पैगंबर माने जाता था ना, फिर अल्लाह ने खुद भेजा था ना वहां पे, पढ़ना वाकई और पढ़ के बताना दुनिया को। गुमराह करके यहूद नसारा के दलालों ने तुम्हारा राह से भटका दिए, राह से इस वास्ते भटका है तुम्हारा कि तुम भटक जाएंगे तो फिर तुम शैतान में वबाओं में जादू टोनों में से मुब्तला होके तुम अपना अपना राइट करने में परेशान रहेंगे, और तुम्हारे दुरुस्त करने वाला नहीं मिलेगा, तुम हलाक और गर्क हो जाएंगे सब चीजों के अंदर। तो ये सब बातें है, इस वास्ते मैं बार बार कहता बोलता कि कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, और सीखो, सीखने का दौर है ये, ऐसा जाहिल और अनपढ़ों का दौर नहीं है। मैं ये बात नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, मैं आज पढ़ो किताबों की खाक छानो तो तुमको फिर पता चलेगा कि हर चीज दुनिया में, हर चीज का इल्म, जहाँ अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहाँ धूप है वहां छांव भी है, जहाँ दर्द है वहां राहत भी है। इसलिए याद रखना ये बात, हर चीज अल्लाह ने बनाया और हर चीज दुनिया में, और हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। कुल्लुन नफ्सुल जायखतुल मौत, अगर तुम राह से भटक देंगे तुम्हारे दर्दनाक सलील ऐसे होके मौत आओगे तुम्हारे की जिसकी हद नहीं। और तुम अगर नेक राह पे रहेंगे और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे, आले रसूल औलाद अली के दामनों को मजबूती से थामेंगे, वली अल्लाह बुजुर्गान दीन की राह पे चलेंगे, तो फिर तुमको कोई वबा बला परेशान नहीं कर सकती, फिर तुम इबादत गुजार होके नेक वक्त होके खबर के अंदर जाएंगे और तुम्हारे सब आमाल नामे भी अच्छे रहेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं ये सब इसलिए बातें बताता कि मुझ पे ये बातें बताना तुम्हारे को वाजिब है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुमको, तुम कैसा सीखिए। डुप्लीकेट जादू करा तुम्हारे बर्बाद कर देते, पैसा भी लेके बर्बाद कर देते, झूठे सच्चे बात करके भी। इसलिए मत जाओ उनके दरों पर, छोड़ दो, अल्लाह वालों के दरों पर जाओ, अल्लाह वालों के दर से फैज मिलता। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चल रहे नालायक सब याद करके आ जल्दी से जाके, जो तुझे बताया दूसरी चक्कर तक कौन डाले थे उसके अंदर, दूसरी चक्कर के बाद सुनूंगा नहीं मैं, पूरे नामा बयान करना मेरे सामने, तो तेरे दो टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगा। पानी पिलाओ रे उसको।